Bitch. तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, अभी हम आए हैं गोटा का बायोडाइवर्सिटी पार्क, और ये पार्क जो है गोटा का सबसे बड़ा पार्क है और जाने माने पार्क भी है। तो दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो चलिए हम आप सभी लोगों को यहाँ का सैर करते हैं। और फाइनली गाइस, हम लोग गेट के अंदर एंट्री कर चुके हैं, और अभी जो लेफ्ट वाला जो रोड है उसके हम लोग जा रहे हैं, और इधर का नज़ारा हम लोग देख रहे हैं और आप लोग को भी सैर करते रहते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं इधर का जो नज़ारा है कुछ इस प्रकार से, और इधर सारे जगह जो पेड़ पौधा से भरा हुआ, आम का पेड़ लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, और इधर साइड साइड में फूल का पेड़ सब लगा हुआ है, और हम लोग जस्ट आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, आप लोग को दिखाते रहते हैं। और दोस्तों, एक बात बताना, हमारे साथ जो है एक भैया है, और इधर आप लोग मेरा रूममेट आप लोग को तो मालूम ही होगा। तो चलिए इधर का शेयर करते हैं। और गाइस, जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोग सामने दिखता है, ये देख लीजिए, दो लेडीज और एक जेंट्स है, कौन है मुझे भी मालूम नहीं है, बट यहाँ पर सजाया हुआ है। चलिए देखते रहते हैं, और बच्चा के लिए भी आगे कुछ खेलने वगैरह का सामान है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है, यहाँ पर एक स्टेडियम टाइप का है, ये आप लोग देख सकते हैं, एक स्टेडियम टाइप का, और इधर बच्चा का खेलने के लिए कुछ सामान वगैरह है, ये देख लीजिए खेलने का है, ये आप लोग देख ही सकते हैं। और फाइनली गाइस, जैसे हम आगे बढ़ते हैं और आगे में लिखा हुआ था आई लव गोटा पार्क, ये आप लोग दिखा देते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बोर्ड टंगा लगा हुआ है आई लव गोटा पार्क, जिससे हमारा गोटा का नाम जो है और आगे बढ़ता है और अच्छा भी दिखता है। इससे पता चलता है कि कितना अच्छा कितना खूबसूरत हमारे गोटा में भी है। दोस्तों, अभी हम सेंटर वाले पाथ पर चल रहे हैं, और यहाँ पर क्या है आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक पानी निकलने वाला जो फुहारा जैसा होता है वो है, रात को जो अभी लाइट वगैरह भी जलता है, आप लोग देख सकते हैं रात को लाइट वगैरह जलता है और पानी निकलता है, वही चीज़ है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से यहाँ का हर एक चीज़ को शेयर करते हैं, आप लोगों को दिखाते रहते हैं, आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए। So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं रोज गार्डन पे, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एंड कहा जाता है कि यहां पर जो है लगभग 1000 प्रकार के रोज हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो अभी जो है कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है, इसको अभी बढ़ने में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, एंड यहां पर कहा जाता है कि लगभग जो है 1000 प्रकार के गुलाब के फूल हैं। और गाइज, अब हम आगे बढ़ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये देख सकते हैं क्या है पता नहीं, चलिए देखते हैं। और दोस्तों, जैसे यहाँ हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं, देखिए कितना सारा कैक्टस का जो है पौधा लगा हुआ है, और इधर भैया लोग इधर है देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना कैक्टस का जो है पेड़ है पौधा लगा हुआ है, चलिए दिखाते हैं, बहुत सारे टाइप का कैक्टस यहाँ पर लगा हुआ है। सो दोस्तों, कैसे लग रहा है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स पर, अच्छा लगेगा तो जरूर एकदम अच्छा जैसा कमेंट कर दीजिएगा, और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और इधर भैया लोग देख सकते हैं साथ में, और देख सकते हैं इधर कितना कैक्टस का पौधा लगा हुआ है। सो गाइस, देखने में कैसे लग रहा आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं हम, आप लोग ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। एक लोटस बना हुआ है एक बीच के पास, चलिए आप सभी लोग को दिखाते हैं। सो गाइस, ये देखिए ये लोटस, बीच में पानी है और लोटस का स्टेचू बना हुआ है, और इधर बहुत सारे लोग आए हैं घूमने, अब इधर का सीन चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में।
दिल के धड़कन से तो आए जाना हमरे सब सब के हो जाए आना कभी कभी तो हमसे घबराना सभी सभी को तुम ही समझाना अभी अभी तो हमने ही जाना तू गाए ना